के बदला खून चाहिए, मुझे सजा चाहिए किसी भी कीमत में, क्योंकि मेरे देवर गए हैं, मेरे देवर नहीं थे, मेरे बेटा के जैसा थे। और तीन बच्चे जल्दी नाम ओपन हो जाएगा, बहुत जल्दी आप लोगों को भाई पता चल जाएगा, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग को सच्चाई पता चलता है। बता नहीं सकती हूँ, अगर MIM को कोई लाने वाला है सिवान जिला में तो वो आरिफ जमाल है, और मुझे खून के बदले में खून मुझे चाहिए। इसलिए ये टोटल राजनीति मर्डर है, टोटल राजनीति मर्डर। घर में बेटा गया हो, बूढ़े बाप का औलाद गया हो, जिस घर में बड़ा भाई का भाई छोटा गया हो, जिस भाभी का देवर गया हो, और राजनीति दावी की बात करें कि राजनीति दावी में आप ऐसा नहीं ने बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई। नसीमा जमाल उनकी बड़ी भाभी है, और मैं वादा करती हूँ कि खून के बदला खून मुझे किसी कीमत पे भी चाहिए। जानती हूँ कि आप सरकार की बातें कर रहे हैं, मेरी सरकार इतना चुप नहीं बैठी है, अना बैठेगी। मेरी सरकार उस तरह की है कि जब कुछ होता है तो तुरंत एक्शन मेरी सरकार लेती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नसीमा जमाल, आप RJD की जो है प्रदेश की प्रवक्ता है, उसके बावजूद RJD की सरकार में इस तरह की घटनाएं, आपके परिवार में अगर किसी तरह की हत्याएं होती तो किस तरह से सरकार को देखती है? नहीं, मुझे सरकार के प्रति बहुत उम्मीद है, और मुझे सरकार के प्रति बहुत भरोसा है, और मेरी सरकार इस पे कार्रवाई करेगी और तुरंत करेगी। ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार चुप बैठी है या चुप है, मेरी सरकार इसमें बिल्कुल, मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है कि हमारी सरकार इसके पीछे एकदम मतलब जोरों शोर से जल्द मतलब मुजरिमों के जल्द से जल्द उसको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ, और कहना तो नहीं चाहिए, मैं एक बात कहूँगी कि राजनीति में बहुत ज़्यादा वो सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा राजनीति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर MIM को कोई लाने वाला है सिवान जिला में तो वो आरिफ जमाल है, और मुझे खून के बदला खून चाहिए, मुझे सजा चाहिए किसी भी कीमत में, क्योंकि मेरे देवर गए हैं, मेरे देवर नहीं थे, मेरे बेटा के जैसा थे, और तीन बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए भरण पोषण के लिए और उनके पढ़ाई लिखाई के लिए उनको मुआवजा किसी भी कीमत पे मिलना चाहिए, और सजा को किसी भी कीमत पे मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, किसी खून के बदले में खून मुझे चाहिए। इसलिए ये टोटल राजनीति मर्डर है, टोटल राजनीति मर्डर है। हमारे देवर बहुत तेजी से राजनीति में आगे चढ़ बढ़ के बहुत आगे जा रहे थे, बहुत सक्रिय भी बहुत पार्टी में थे, ये बहुत सक है, बहुत जल्दी नाम ओपन हो जाएगा, बहुत जल्दी आप लोगों को भाई पता चल जाएगा, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग को सच्चाई पता चलता है, और आप ही लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया जानती है, और आप ही लोग के माध्यम है कि पूरा सच्चाई जो है वो खुलता है, वो दुनिया देखता है। और मैं यही कहूंगी, मुझे प्रशासन पे भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजाई दिया जाए, और खून के बदला खून मुझे चाहिए। भले आरिफ जमाल नहीं है तो क्या, नसीमा जमाल उनकी बड़ी भाभी है, और मैं वादा करती हूँ कि खून के बदला खून मुझे किसी कीमत पे भी चाहिए। उन छोटे छोटे बच्चों के दिल पे क्या गुजरता है जी? प्रशासन के जांच पर आपको भरोसा है? मुझे प्रशासन और सरकार दोनों पे भरोसा है। आपके पप्पू यादव अभी आए थे, उन्होंने बिल्कुल जांच की मांग की है। बिल्कुल पप्पू यादव जी आए यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी की बात है कि यहाँ पे आए। बिल्कुल माल होनी चाहिए, हमारी सरकार भी काम करेगी इसमें, हमारे सरकार भी इसमें देखभाल करेगी। ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी सरकार ऐसा नहीं है कि चुप बैठ जाएगी, मेरी सरकार काम करेगी। आप संतुष्ट है? चलिए, वरीय नेता कोई नहीं आया, आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हैं, कोई वरीय नेता का दौरा नहीं हुआ, क्या कैसे लेती हैं आपके, आप खुद उस सरकार में? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सरकार में हूँ, मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार चुप बैठ जाएगी। इस तरह की नहीं है कि सरकार की बात में आप जो बोल रहे हैं कि सरकार चुप बैठी, ऐसा नहीं है कि मेरा सरकार चुप बैठेगा। सरकार जल्द से जल्द, आप देखिएगा बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला, हॉस्पिटल हो तो चाहे यहाँ पे कोई ऐसे भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार अब काम नहीं कर रही है, और ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार चुप बैठी है, ऐसा नहीं है। स्पीकर का ठीक है जी, स्पीकर साहब जो है आपके सरकार के माध्यम से जो है यहाँ पर अपराध पर नियंत्रण क्यों नहीं करा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ये करेंगे, एप्लीकेशन लिख के देंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनिएगा। मैं मानती हूँ कि आप सरकार की बातें कर रहे हैं, मेरी सरकार इतना चुप नहीं
बैठी है और ना बैठेगी। मेरी सरकार उस तरह की है कि जब कुछ होता है तो तुरंत एक्शन मेरी सरकार लेती है, ठीक है। मजबूरियों से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 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 ऐसा कैसी बातें कर रहे हैं। जिस घर में बेटा गया हो, बूढ़े बाप का औलाद गया हो, जिस घर में बड़ा भाई का भाई छोटा गया हो, जिस भाभी का देवर गया हो, और राजनीति दावी की बात करें कि राजनीति दावी में आप ऐसा नहीं ना बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मजबूरी का उन्होंने, मुझे मुझे इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत में, खून के बदला खून चाहिए, और उन बच्चों को भरण पोषण के लिए मुआवजा किसी भी कीमत पे चाहिए।